नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। कोरोना काल में पड़ रही भीषण गर्मी और उन पर लगे लॉकडाउन के बीच अब एक और खतरा भारत पर मंडरा रहा है, वो है टिड्डियों के दल का खतरा। आपको बता दे कि पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। अब इनसे कैसे बचा जाए, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले से ही मुश्किल में फंसे देश के किसानों की मुश्किलें पाकिस्तान से आए टिड्डियों के दल ने और बढ़ा दी है। ऐसे में किसानों की चिंता और बढ़ गई है। किसान अब एक नए डर के साए में जीने को मजबूर है। टिड्डी दल से फसल को होने वाले नुकसान को लेकर किसान चिंता में डूबे हैं। वही टिड्डी दल राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए अब यूपी में भी पहुंच चुका है, जबकि पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों को भी टिड्डी दल के हमले का शिकार बनना पड़ा है। टिड्डियों का ये दल ईरान, पाकिस्तान सहित अफ्रीका को भी मुश्किल में डाल चुका है। इसको देखते हुए टिड्डी नियंत्रण विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। एरियल कंट्रोल के लिए इस बार विशेष रूप से एयरक्राफ्ट, ड्रोन और अन्य दूसरे संसाधन मंगवाने की कवायद शुरू कर दी गई है और रात के समय दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिड्डी दल पर नियंत्रण करने के लिए सीमावर्ती जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। टिड्डियों के आक्रमण करने की स्थिति में एक साथ इकट्ठा होकर ढोल, नगाड़े, टीन के डब्बे, थालियां बजाते हुए शोर मचाने की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि टिड्डियां पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की सीमा से आ रही है, जिन्हें लगातार नष्ट करने का काम किया जा रहा है। जहां भी इसकी सूचना मिले उन्हें नष्ट करने के लिए टिड्डी विभाग से संपर्क साधने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने शोर मचाने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या शोर से काम चल जाएगा या फिर किसानों की फसलों को बचाया भी जाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज़।